आजा भूमिका 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 भूमिका। बहुत तेज लगी है, बहुत दर्द हो रहा है। सॉरी, ज्यादा हस्बैंड बोलते हैं कि वाइफ बोलती है? सारा दिन वाइफ पीछे बैठ कर रहती है। हस्बैंड कमेंट प्लीज। हम लोग वीडियो बना रहे हैं और पीछे छोटे छोटे बच्चे, इनको इतना क्रेज है कि वो हमारे पीछे लगे हुए। देखो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और आपका हम सब के चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जा रहे हैं मैहर के एक ऐसे जगह पर, ऐसी प्लेस पर जिसको देख के आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सफर है बड़ा सुहाना, साथ में है सुहाना साथी। तो बताइए कैसा लग रहा है मैडम? सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ओहो, और ये देखिए, डर है हम खो न जाए कहीं, हाल लेना ठीक है। देखो दोस्तों, ये है नजारा, ये है मौसम। हाँ, हो सकता है, लेकिन आज तो हमारे यहाँ का। और ये देखिए दोस्तों, ये है माँ शारदा माता नगरी मैहर। ये माँ शारदा की, ये है माता का मंदिर। तो माता का मंदिर मैंने आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि हम लोग जहाँ भी जाते हैं पहले आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद ही निकलते हैं। तो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं हरदासपुर, बीच का नजारा आपको दिखाते जाएंगे, लेकिन सच बता रहा हूँ आपका दिल खुश हो जाएगा। इतनी प्यारी जगह मैं आपको लेके जा रहा हूँ, तो बने रहिए। तो दोस्तों, जहां हम जा रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि मैहर में तीन तीन सीमेंट फैक्ट्रीज हैं। जी हाँ, मैहर माँ शारदा माता की नगरी से तो प्रसिद्ध है ही, यहाँ पर तीन तीन सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, जिनमें से एक वो मेरे जस्ट पीछे है जिसका नाम है KJS, मिस्टर पवन आलूवालिया जी की ये कंपनी है। और मेरे राइट साइड पे है बिरला सीमेंट। जी हाँ दोस्तों, ये मेरे जो पीछे है, ये है बिरला सीमेंट फैक्ट्री। और मैं आपको बताऊं, यहाँ से शायद देखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पर रिलायंस की भी फैक्ट्री थी जो कि अभी उन्होंने बेच के बिरला वालों को ही बेच दिया है। तो तीन तीन फैक्ट्रीज हैं हमारे यहाँ मैहर में, ठीक है। तो आगे चलिए, मैं आपको बताता जाऊंगा। यहाँ सीमेंट बनता है और यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है दूसरे शहरों में। हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं हरदासपुर के एक ऐसे मंदिर में जहाँ की बहुत विशेषता मैं आपको बताना हूँ। यहाँ पर बजरंगबली का मंदिर है जिसकी प्रतिमा अपने आप बढ़ती जाती थी, ठीक है। तो प्राचीन लोगों ने यहाँ पर एक उपाय किया, मंदिर के ऊपर शिवलिंग बना दिया। मेरे को लगता है मैं पहली बार ऐसा कुछ देख रहा हूँ कि मंदिर के ऊपर शिवलिंग बना हुआ है। उसके बाद से बजरंगबली की प्रतिमा बढ़ना बंद हो गई है, मतलब स्थिर हो गई है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सी प्रतिमा है, क्या प्राचीन यहाँ की मान्यताएं हैं। चलिए, बजरंगबली की मूर्ति जो लगातार बढ़ती जा रही थी, ये वो बजरंगबली की मूर्ति है जिसको रोकने के लिए, बढ़ने से रोकने के लिए यहां पर शिवलिंग को मंदिर के ऊपर स्थापित किया गया। उसके बाद से ये जो प्रतिमा है ये बढ़ना बंद हो गई। मस्ती का मूड है तो कर ही लो।
हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सबको अच्छा लग रहा होगा, आप भी एंजॉय कर रहे होगे मेरे मेरे साथ। ऐसे मौसम में कुछ गरम यानी कि पकोड़े पकोड़े के साथ चाय मिल जाए जी, कसम से आनंद आ जाए। ला दो यार प्लीज, आपका भी क्या खाने का मन हो रहा है, पकोड़े और चाय। इतने सुहाने पलों का मजा लेते लेते मतलब सच में इतना मजा आ रहा था, वहाँ की वादियाँ, वहाँ का पानी, कल कल की आवाज़, मैं आपको बता नहीं सकती फ्रेंड, इतना मज़ा आ रहा था। और फिर जो हुआ ना मेरे साथ पता भी नहीं चला, लेकिन बहुत बुरा हुआ। और ये मुझे आवाज़ देती भूमिका चलो चलो ठीक है अल्लाह ना करा इसलिए हंसना नहीं चाहिए, कहना भी सुनना चाहिए। वहाँ पे थोड़ा फिसल ले, ये पूछने की बजाय कि तुम्हें चोट तो नहीं आई, पूछ रहे कैसा लगा। आई हेट यू, भाग जाओ बात नहीं करना। इसको कहते हैं जब पूरी जानकारी नहीं हो तो वैसा काम नहीं करना चाहिए। मैं गिर जाऊं दोस्तों, बीवी जी हो गई है नाराज क्योंकि अब गुस्सा तो दिखानी है कि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ कभी ना हो। बहुत तेज लगी है, बहुत दर्द भी हो रहा है, हट जाओ। कभी गिर जाती फिर आपकी मर्जी के चक्कर में। आओ पगलू, आ जाओ। सॉरी भी नहीं बोला, सॉरी। मैं अपना गुस्सा आप पे निकाल रही थी, किस पे निकालूं, लगी तो तेज से है। सुनिए, अगर आप शादीशुदा हैं तो मेरी हर परेशानी को समझ सकते हैं, और अगर आप नहीं हैं और खासकर जेंट्स, तो दोस्तों चाहे गलती किसी की भी हो, सॉरी बोलो, मामला ठंडा। गलत चीज बोल रहे हो आप। जितनी भी अगर लेडीज हमारे ब्लॉग को देख रही हैं तो आप बताइए, सॉरी ज्यादा हस्बैंड बोलते हैं कि वाइफ बोलती है, सारा दिन वाइफ आगे पीछे कमेंट करना चाहती है। प्लीज कमेंट, प्लीज कमेंट करिएगा, प्लीज कमेंट करिएगा दोस्तों, आप भी कमेंट कीजिएगा, प्लीज प्लीज। आप ज्यादा मनाती हैं, आपके हस्बैंड ज्यादा मनाते हैं, प्लीज प्लीज कमेंट करिएगा दोस्तों। हम दोनों के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं मनाते। अभी ऐसा आप लोगों के सामने वीडियो बन रही है इसलिए मना रहे, मैं ही मनाती हूँ इनको, सबसे ज्यादा मैं ही मनाती हूँ। बात बात पे गुस्सा आता है। चलो अब दिखाओ, ये देखो कितना प्यारा भी। ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा नजारा है। तो यहाँ से पानी बहुत कम निकल रहा है, अगर यहाँ पे आज पानी गिर रहा होता तब हम आपको दिखाते कि एक भी चट्टान ऐसी सूखी नहीं होती, सारी चट्टानों पे इतना पानी, इतना पानी, और आपको तब लगता कि वाह व्हाट अ व्यू, क्या व्यू दिखाया है। हम लोग वीडियो बना रहे हैं और पीछे छोटे छोटे बच्चे, इनको इतना क्रेज है कि वो हमारे पीछे लगे हुए। देखो हम लोगों को भी वीडियो में आना है और हम लोगों को भी फोटो में ले लो। क्या बाबू आपका? कनक। क्या नाम है? कनक। कनक आपका? सोनिया। सोनिया और आपका? सानिया। यही रहते हो हरदासपुर में? हरदासपुर में रहते हो, कौन सी क्लास पढ़ते? चौथी। और आप? चौथी। ये भी चौथी, इतने इतने से चौथी। अच्छा लगा? ये बहुत प्यारे बच्चे आए हैं, जब से इतनी दूर से हम लोगों के पीछे पीछे आ रहे हैं कि लोग वीडियो बना रहे हैं, हम भी चलेंगे। तो दोस्तों इनके लिए एक लाइक बनता है ना, बोल दो एक लाइक बनता है, एक लाइक बनता है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने
ब्लॉक के लास्ट पोजीशन पर। ये बहुत प्यारी जगह है जो मैंने आपको दिखाई है, ये वादी आप देखिए। चूंकि समय ज्यादा हो चुका है, पानी गिरने की पूरी आशंका है और इनको अपने बच्चों को छोड़ने घर जाना है, फोन आ रहे हैं बार बार, तो इसलिए मैं ये ब्लॉग अब खत्म कर रहा हूँ। मैं दोबारा आऊंगा, जरूर आऊंगा और आपको दिखाऊंगा इतनी प्यारी वादियों में क्या क्या अवेलेबल है। यहाँ पर इतनी सुंदर नजारे हैं और यहाँ पर आपको पता है जंगली जानवर भी होते हैं, वो देखिए, वो प्यारा, बहुत ऊपर आ चुके हैं दोस्तों लोग, नीचे भी जाना है बिल्कुल, अभी इसके भी हम लोगों को बहुत टाइम लगेगा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो मिलिए, मिलते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, अच्छे अच्छे प्यार बरसाते रहिए। हम आपके लिए ऐसी ऐसी जगहों पर आके ऐसे वीडियोस बनाते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो दोस्तों प्लीज प्लीज प्लीज, यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।